नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, आज हम आपको बताना चाहते हैं, महिला अतिथि शिक्षक को राहत मिली है और कई जगह ऐसा चलता है स्कूल में कि जो प्रधान अध्यापक होते हैं अपने मन से अतिथि शिक्षकों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब चाह अतिथि शिक्षक को रख लिया, जब भगा दिया। और अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस पीएन सिंह की योगल पीठ ने एक याचिका के इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया है। यदि याचिकाकर्ता योग्यता धारित करती हो तो उसे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने दिया जाए। एक ही योग्यता के अतिथि शिक्षक को उसी योग्यता के दूसरे अतिथि शिक्षक से तब तक स्थापन नहीं किया जा सकता जब तक कि नियमित नियुक्ति न की जाए। याचिकर्ता गरिमा त्रिवेदी की ओर से कहा गया कि याचिकर्ता जनजातीय विभाग के अधीन एकलव्य आवासीय स्कूल मेहर में अर्थशास्त्र की अतिथि शिक्षक हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत नए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है। इसी प्रक्रिया को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है कि ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं बल्कि अनुभव को भी दरकिनार किया जा रहा है, इससे उसका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष असीम त्रिवेदी व आनंद शुक्ला ने पक्ष रखा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का शोषण होता है। मार्च अप्रैल का मानदेय अभी तक नहीं मिला है और अतिथि शिक्षकों के जो मार्च और अप्रैल के मानदेय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से अतिथि शिक्षक कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर मानदेय क्यों नहीं मिला है। मैं भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक बजट की बात करते हैं, बहुत सी जगह बजट आ चुका है और बहुत सी जगह अभी बजट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी महीने में आपका मानदेय मिल सकता है। और अगर मानदेय आपका नहीं मिलता तो आप जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपका अतिथि शिक्षक जल्दी से जल्दी जनरेट हो सके, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के हाथ में ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय है। और लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश आया था, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि जिला शिक्षा अधिकारी आवंटन की मांग करेंगे, तभी अतिथि शिक्षकों के मानदेय की पूर्ति होगी। बाकी मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।